हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका होस्ट चेंज है, आज अब्दुलरहमान नहीं है, मैं व्लॉग करूंगा। आज हम करेंगे स्कल्टस का रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू, पीछे एग्जॉस्ट की लिप से लेके आगे इंजन के अंदर तक। इंजन बे दिखाया था इनको? हाँ, जाहिर सी बात दिखाया ही होगा तूने, सिंपल है। तो बाकी इंजन बे तो ड्रेस अप कर। मैंने इस भाई को कमेंट किया था, इसकी लास्ट वीडियो इसने अपलोड किया, मैंने इसे कमेंट किया कि इसका ना ऑटो लॉकिंग सिस्टम करवाए, क्योंकि सारी गाड़ी में मेरे ख्याल से चीजें कंप्लीट हैं, लेकिन एक वो जो चाबी से खोलनी पड़ती है ना, वो वाइब मजे की नहीं आती। कामयाब है नहीं, नहीं नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी की लगवाओ ना तो कामयाब है। 4-5 हज़ार वाली डिवाइस लगवाएगा वो फारिग है, वो खराब हो जाती है। तो बाकी ये गाइस हमारी कल्टस है MK4, 2000 कौन सा मॉडल है ये? 2006 मॉडल। ये 2006 मॉडल VXR है, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है तकरीबन VXL में अपने हिसाब से। और बाकी ये लाहौर रजिस्टर्ड है, अप फॉर सेल है। शंभू 15 लाख ओनली। अरे ऐसी अमाउंट बताएंगे ना, कोई परचेज नहीं करेगा। 15 लाख ओनली। अगर कोई बाय जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार, लेना चाहते हैं 15 की तो हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है। 15 की हम लोग आपको दे देंगे। यहीं पे पार्क कर ले थोड़ी देर, वो इसका रिव्यू करके फिर यहाँ सामान लेते हैं। तो गाइज हमारी जिंदगी सच्चाई है कि हम सामान आलू लेने आए हैं, और आलू लेते हुए हम लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं। तो आपको आलू कैसे लेते हैं वो भी हम सिखाएंगे, क्योंकि हम घर लेके जाते हैं तो घर वाले कहते हैं ये खराब है, सही लेके आऊँ। तो हम आपको आलू लेना भी आज सिखाएंगे। बाकी ये गाड़ी की पावर विंडोज हैं, जो इसने तकरीबन 1 साल पहले करवाई थी सुल्तान दकू से। अंकल की दुकान भी हम आपको बताएंगे, वही एड्रेस आपको बताएगा। बाकी पावर वही अभी बंद ना करी। बाकी एसी आपका फुल टना टन चल रहा है, इस्लामाबाद में टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, 41-42। आज तो खैर वेदर अच्छा है बाहर, देखें इतना मजे का सेक्सी वेदर हुआ है, बिल्कुल अब्दुलरहमान जैसा सेक्सी वेदर है। तू बाद आ जा। तो बाकी ये पावर विंडोज की वर्किंग चेक करें आप। इसके डोर कार्ड के अंदर एडजस्ट करवाया हुआ है। इसके अंदर होती है एक ये JDM स्टाइल लाइट, जो की बड़ी प्यारी लगती है। सारी लुक किसी की है, तो तुमने दिखाया नहीं इंटीरियर में क्या? वो देख, मीटर नहीं चेक किया? ओ हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना हम। इसने मीटर के साथ पता नहीं क्या किया था, वो यही बताता है आपको। ये इसके अंदर मैंने LED इंस्टॉल करवाई थी सदर से, रावलपिंडी सदर में एक शॉप है बाबर उस्ताद के नाम से, उसके पास जाए, उसे कहीं अब्दुलरहमान ने भेजा है। डिस्काउंट नहीं मिलेगा अब्दुलरहमान भाई के, 500 रुपए बीच में एडजस्ट है हर कस्टमर के साथ। तो आप लोग जाएं वहाँ से काम कराएं, रिव्यू के साथ हमें हमारे नया पे में 500 रुपए सेंड कर देगा, नंबर मिलेगा नीचे। ये देखे ये। बाकी गाड़ी में और आपको दिखाया जाए तो ये गियर नॉब है जो कि लूज हुआ हुआ है, जिसको मैंने एक गियर नॉब दिया था वो इसको पसंद नहीं आया। गाड़ी में रिवर्स करने पे यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें टॉम एंड जेरी भी चलता है और बैक कैमरा भी चलता है। तो बाकी गाड़ी का लाइटर मिसिंग है यार, बड़ा हुआ है। अच्छा नहीं नहीं अभी नहीं, ये नहीं खोल रहा है, गंदा हो रहा है। बाकी AC फुल अच्छी वर्किंग है, AC इसका जेन्युइन है, AC जेन्युइन है, कंप्रेसर इसका मेरे ख्याल से अच्छी वजह से और ज्यादा कूल। अच्छा ये ग्रे तूने करवाया था या है ही ग्रे आता है? मैंने खुद किया था, ये ब्लैक में आता है, 2006 मॉडल है ना, पेंट किया था। हाँ ये स्प्रे वाला नहीं आता जो पेंट, वो मैंने किया यार। ये जो है ना, मतलब इंटीरियर में सारी लुक ये चीज चेंज करी है। पहले मेरे ख्याल से तूने रेड भी करवाया था, रेड करवाया था, रेड लेकिन लोगों ने हमारी उतार, रेड नहीं अच्छा लग रहा था, रेड बहुत बुरा लग रहा था, ये ग्रे फिर सुपर लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है। बाकी गाड़ी में ओरिजिनल आता है ना, गाड़ी में ये होना बहुत जरूरी है, आपका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, अल्लाह का नाम गाड़ी में रखा करे। चले बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर दिखाएं। गाड़ी के रिम्स की बात की जाए तो 13 इंच के रिम लगे हुए हैं, जो कि मैं इसको तकरीबन 1 साल से कह रहा हूँ कि सबसे पहले रिम चेंज कर, लेकिन इसने पूरी गाड़ी का सामान चेंज कर दिया और रिम आज तक नहीं चेंज किए। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी रिम चेंज हुए नजर आएंगे। अच्छा वो तो बता कितनी प्राइस आई थी वो पावर विंडोज और पावर स्टेयरिंग की? पावर विंडोज और पावर स्टेयरिंग की कोई ऑलमोस्ट 30K आया था, तकरीबन 30,000 लगे थे हमारे पावर विंडोज और पावर स्टेयरिंग कराने पे। बाकी गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट पे हमने रिंग्स करवाए थे, लवर लाइट्स करवाई थी। ये उन लोगों के लिए व्लॉग है असल में, या तो जिनको चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन है या जो नए नए हमारे चैनल पे आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि हम लोग डॉलर कमाएंगे तो नया प्रोजेक्ट आएगा, डॉलर नहीं कमाएंगे तो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे।
काफी सारे काम रहते हैं। हाँ, अभी इसके रिम टायर रहते हैं और क्या रहता है, स्पॉइलर भी रहता है इसका, डक्टाइल स्पॉइलर हमने लेना है, वो हमें मिल नहीं रहा। तो बाकी वो एक बंदे ने कमेंट किया था, मैं पढ़ रहा था, इसके कमेंट में पढ़ता रहता हूँ कि वहाँ से मिलेगा। यार हम इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में ना वो मॉन्टगोमरी फिर वो कहीं और का था, लेकिन वो यहाँ सदर से मिल जाएगा, सुल्तान के खुद से भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। बाकी सीन ये है कि लवल लाइट्स हमने बनवाई थी, सदर में ही एक बंदा है उससे बनवाई थी, उसका कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर ये रिप्लाई आप लोग कमेंट कर दिया करें, ये नहीं रिप्लाई करता वैसे ज़्यादातर, तो मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। मैं बंदे को मैं रिप्लाई, जो एक आधा बंदा जो रिटेल कमेंट करता, बाकी सबको रिप्लाई में। तो बाकी लावा लाइट्स कितने की बनवाई थी तूने? लावा लाइट यार मुझे मैंने यूज में लाइटें खरीद के, मतलब के ना टूटी नहीं, उसी बंदे ने जिससे, हाँ इसकी जेन्युइन जो है ना वो हमने घर के ऊपर रखी हुई है, और इसका फ्रेम हम लोगों ने लाइटों का लिया था पुराना फ्रेम, उसके अंदर हमने लावा लाइट कस्टमाइज करवाई। ये टोटल इसके अराउंड 16-17 हज़ार इतना आ गया था, 15-16 हाँ तकरीबन इतना, पेट्रोल की कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के ना। ये आपको चेंज करवाना पड़ता है जब आप न्यू मॉडल की लाइट लेके तैयार करवाते हो। ये बीच की जो पट्टी है ये हमने कितने की ली थी, 2000? ये मैंने 1000 की ली थी, 700-800 का पेंट हो गया, 700-800 पेंट का लग गया, 1000 मतलब 2000 का खर्चा ये हो जाता है, और 12-15 हज़ार में आपका टोटल सारा कुछ 15-16 में पड़ जाता है। बॉडी किट सेंट पे दिखाते हैं, फ्रंट लाइट्स पे दिखाते हैं। फ्रंट लाइट इसकी तुमने साफ करवाई थी? साफ करवाई थी, इसके अंदर मैंने RGB जो है ना रिंग ये इंस्टॉल करवाई थी, फोग लैंप वाला बम्पर इंस्टॉल करवाया था, उसके बाद बॉडी किट इंस्टॉल करवाई थी, मैश ग्रिल जो कि मैंने खुद बनवाई थी इसकी। मैश ग्रिल का कॉस्ट भी बताना साथ साथ यार, कॉस्ट इस तरह फिर बताना मुश्किल हो जाए। मैच बस एक आइडिया दे, मैच ग्रिल का 700-800 लगे, जिसमें वो जाली थी इधर में, ये इसके अपनी ग्रिल को करवाया था, इसके अपनी ग्रिल का जो दरमियान वाला पीस होता है ना उसका निकलवाया, डेंटर को दोनों वो समझ जाएगा उसको, पिक्चर सही है, सही है। डेंटर हमारे पास इधर हम लोग रहते हैं, वो नहीं बताएंगे हम आपको, वो बड़ा महंगा ना ही पूछे, हाँ वो महंगा है, आप कहीं और से काम करवा लें, कोई भी डेंटर आपको बना दे। बॉडी किट्स हैं जो कि 10,000 बॉडी किट, बॉडी किट का हमारा बंदा है सदर के अंदर, वो अच्छा काम करता है, मेरा सारा काम। तो अभी मैंने वहाँ से रिसेंटली एकॉर्ड की भी बॉडी ग्रिल्स कह रहा हूँ, बॉडी किट्स बनवाई थी एकॉर्ड की, और इसने एक और कल्टस की भी बनवाई थी जो कि आप लोगों को हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था, पीछे ये ना रिंग लाइट वाला फोग लैंप है, इसके अंदर फ्लैशर भी है, मैं फ्लैशर चला के दिखाता हूं, वो बाद में दिखाते हैं, वो एक ही दफ़ा दिखाते हैं। ये बताए जो फोग लैम्प है वो तुमने कितने के लिए थे? ये मुझे 3,000 से मिले, इसके अंदर LED भी लगी हुई है। सही तो है ना, मतलब के गाड़ी के फ्रंट वाली हेड लाइट, क्योंकि कल्टस की अपनी जो लाइटें हैं ये बड़ी, मतलब के थोड़ी रोशनी है इनकी, यानी इसका तूने फ्रंट बम्पर चेंज किया, बैक ओरिजिनल ही है? बैक ओरिजिनल ही है, बैक तो वही जो आजकल कल्टस में आता है, मतलब वही बम्पर। और बाकी इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ है? बाकी सारे शीशे टिंट है, फ्रंट वाला 25 वो असल में आप देख सकते हैं ये जो स्टिकर लगा है ना, इस वजह से ना ये टिंट पर बदमाशी करके चलाता है, बाकी कोई बात नहीं है। इसकी गाड़ी का नंबर पढ़ लें आप लोग, बाकी आप इसका नंबर पढ़ लें, तो जो भी पुलिस वाला वीडियो देख रहे हैं आगे इस गाड़ी पे पर्चा करें, बटे पैन नेवी के अंदर, हाँ इसका बड़ा भाई नेवी पे है, तो नेवी वालों को खास तौर पे रोक के पकड़े, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, नेवी वाले शौके हुए मैं आज के। और साइड वाली इसके किटा ना, ये होंडा रिबॉन गाड़ी की है, और बैक वाली नाम से हमें पता है कि सामने नहीं आ रही, बैक वाली कस्टम है मैंने उसे तस्वीरें दिखाई कि मुझे इस तरह तो रीबॉन वाली इस पर फिट कैसे हुई थी, मतलब वो कटिंग करके करते हैं ना, फिट कटिंग करके फिट हो जाती है, मतलब कोई भी गाड़ी की हमने लगवानी हो तो कटिंग करके वो स्टाइल फिट हो जाता है, जो भी आप उसे बताएंगे ना, अगर उसमें पॉसिबल हुआ लग सकती हो तो वो आपको लगा के देगा। सही, और बाकी इस गाड़ी के बारे में तुम खुद बताओ यार, चलो गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इधर बहुत आवाम गुजर रही है, वो हमें घूरियाँ दे रही है जैसे हम पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, इधर हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, आवाम हमें बस मारने आने लगी थी तो हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए। तो यार ये पिछले तुमने डोर कार्ड्स नहीं लगवाए क्या? डोर कार्ड्स पिछले नहीं आते, अगले ही आते हैं बस, ये और डोर कार्ड्स कह रहा हूं, सॉरी ये पैनल पैनल उसकी वजह मैं बताता हूं ना, पीछे आप लोगों को पता है ये छोटी गाड़ी है इसमें उस तरह जगह नहीं होती, तो मैंने अगर यही चीज मैं अगर पीछे भी लगवा लेता ना, फॉर एग्जाम्पल पीछे 3 बंदे अगर बैठे ना तो वो फिर इस तरह बंदा फंस जाता है, सही लगता नहीं, फिर मैंने उसका वो मैंने यही सिलेक्ट किया कि छोटे जो बटन नहीं होते, मतलब ये लोगों के दिमाग में काफी सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो मैंने कहा सारे सवाल पूछ लेते हैं अपने रहमान भाई से, और ये यार सदर से
मैंने ये इसके साथ के मैचिंग के ना सीट कवर लिए थे। ओहो, और लॉक टेढ़ा हो गया। अच्छा वो कोई नहीं, इसके साथ के मैचिंग के सीट कवर, ये इनको क्या कहते हैं, हेडरेस्ट, और ये वाले जो है ना आर्मरेस्ट, इसके अंदर बस ये थोड़ी सी स्पेस वगैरह भी आप अपनी कुछ चीजें चीजें रख सकते हैं, जेरस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप हम साहब के काम, किसी को चाहिए हो तो फिर मिल जाएगी आपको। ओ वाओ, ये आगे पीछे भी होता है नीचे से, ये आगे, अच्छा अगर पीछे बंदे को जगह चाहिए तो वो भी हो जाता है। आप लोगों ने बड़ा कहा था ना अपनी गाड़ी का, मैं लोगों की गाड़ियों का रिव्यू करता रहता हूँ, मैंने कहा चलो आज अपनी गाड़ी का भी अयान साहब का दिल था। बाकी यार गाड़ी का सीन ये है कि वो वाली बाकी मोटरें तूने चेक नहीं कराई, इसकी जो ये वाली मोटर है वो सबसे फास्ट है। अगर आपने मतलब फास्ट करनी हो अपनी तकरीबन पावर विंडोज, तो उसके लिए अब्दुलरहमान भी आपको मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सारी विंडोज पे ना आपने रिले लगवानी है। रिले जो होती है ना वो एक तो उसकी पावर को ना ज्यादा ओवर कर देती है, उससे ये होता है कि क्योंकि बैटरी बंद गाड़ी या बंद गाड़ी में आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो फिर ज्यादा बैटरी पर लोड पड़ता है। अगर रिले लगी होगी तो उससे ये होगा, एक तो बैटरी पर भी इतना लोड नहीं पड़ेगा, दूसरा जो है ना ये पावर विंडोज ये भी सही वर्क करेंगे। और एक और चीज जो है WD-40 के नाम से ना एक स्प्रे है, वो अपने पास रखा करें। इसके ये जो होते हैं क्लीनिंग के लिए यूज होता है, रस्ट रिमूव वगैरह करने के लिए, तो क्लीनिंग के लिए। वो फिर ये इन चैनल में मारे ना तो ये इसकी वजह से भी स्पीड ज्यादा बेहतर हो जाती है, तो ये इसकी बस, और तो कोई इतनी खास इसकी वजह नहीं है। बाकी ऐसी बेहतरीन चलता है, वीडियो बना चुका हूँ, लोगों ने बड़ी जूतियां मारी हैं उस पे। क्यों यार, हम ही कहते हैं हम मानते नहीं है, तुम झूठ बोले। फेसबुक पे मुझे बड़े लोगों ने कहा यार ये गाड़ी ना हर महीने मतलब आउट ऑफ सिटी गांव जाती है, तो इसमें तो एसी के बगैर गुजारा ही नहीं है। अभी ये पिछले दिनों गांव गया है तो टेम्परेचर जो था ना 41-42 चल रहे थे इस्लामाबाद पिंडी साइड, और गांव जाओ तो फिर आपको पता है बीच में ट्रैवलिंग, तो तकरीबन यही 40 प्लस ही टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे तो एसी के बगैर गुजारा ही नहीं है। जब गाड़ी में एसी है चलाना इसका, एसी मेरे ख्याल से ओरिजिनल सारा कुछ, और कंप्रेसर इसका, कंप्रेसर मुझे मेरे मैकेनिक ने कहा था कुछ जापानी लगा, मुझे नाम का नहीं पता, मैं उससे मैकेनिक से पूछूंगा और नाम का आपको बताऊंगा। एक ये मैंने ये बटन लगवाया हुआ है, इसको ऐसे खींचूंगा ना तो मेरा जो रेडिएटर का फैन वो डायरेक्ट हो जाएगा। इनको नहीं ये बटन लगवाना जरूरी इस तरह से भी होता है पुरानी गाड़ियों में, खासतौर पर नई गाड़ियों का तो मसला नहीं होता, लेकिन पुरानी गाड़ियों का अक्सर ये होता है आपका फ्यूज उड़ जाता है, आपका कभी डायरेक्ट हो जाता है, कभी तार का इशू हो जाता है। इसलिए लगवाया है ये सिर्फ जब एसी में ऑन करता हूँ ना, क्योंकि पुरानी गाड़ी है ना, नहीं है फाई गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हीटअप नहीं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से ये लगवाया, जब मैं एसी ऑन करता हूँ इसको भी मैं, ये काफी अच्छा काम किया है इसने। लेकिन चौक किधर गया इसका, कौन सा चौक, यहाँ पे चौक नहीं होता, नहीं नहीं वो इधर आता ना, ये तो उसका अपनी जो जगह बनी हुई होती है, बटन शटन को लगवा सकते हैं, इधर फॉग लैंप वाला बटन लगा। अच्छा ये बटन वैसे ही तूने एक्स्ट्रा लगवाया? हाँ ये एक्स्ट्रा, मैं एक बहुत पहले एक मैकेनिक था, उसने मेरी गाड़ी सीएनजी का काम किया, मेरी गाड़ी में पहले सीएनजी इंस्टॉल थी, जिस बंदे से मैंने ली थी ना। अच्छा। उसने सीएनजी लगी हुई थी, तो वो जो है ना यार गर्मी बड़ी हो गई, तो इसमें ना सीएनजी इंस्टॉल थी, तो वो मैंने सीएनजी उतरवाई थी, उसमें मेरी गाड़ी का इंजन जो था ना वो वीक था, तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हें ना मैं ये कर देता हूँ, फैन डायरेक्ट वाला बटन लगा देता हूँ, तो इससे ये होगा जब तुम गर्मियों में गाड़ी चलाना तो इसको फैन डायरेक्ट कर देना, और जब तुम सर्दियों में चलाना तो फैन को ऑटो ही रहने देना, इसको बंद करूंगा ऑटो हो जाएगा, इसको खींचूंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी बातें सुन के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने ये काम करवाना है तो कितने कितने पैसे रख जाते हैं। बाकी मैं टोटल कॉस्ट पे मुझे लगता है एक वीडियो प्रॉपर बनानी चाहिए, तो अभी मैंने रफली मतलब कि आपको बताया, चले रफली हो गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने इतने पैसे लगेंगे। खैर बाकी वो टोटल तो तब बनाई जब तेरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, तो लगेगा स्पॉइलर लग गया, रिम टायर लग गया। बाकी वैसे अगर रिम टायर भी इतने महंगे नहीं है, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन ना 15 इंच के ये लगाता नहीं है खुद, मैं इसे 15 कहता हूं। उसकी रीजन भी बता देता हूँ 15 इंच के मैं क्यों नहीं लगाता है। एक तो ये है मैं लगाना चाहूँ वो मसला नहीं है, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन 15 इंच के इसलिए लगाता हूँ, अब मेरी जो गाड़ी है ना ये एक वीक छोड़ के उससे अगले वीक गाँव जाती है, ठीक है। अब उसमें क्योंकि मेरी ये मेरे इसको भी पता है मेरे पास ये बहुत कम गाड़ी होती है, मैंने बस इस पर खर्चा उर्चा किया हुआ है, मुझे पता है मैं और मेरा भाई है, हम दोनों ने मिलकर खर्चा किया हुआ है। अब ये गाड़ी जाती है कोई एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते गांव जाती है, और गांव वो जीटी रोड है सारा, वो सारा टूटा रोड है, फैमिली होती है, फिर मैं नहीं चाहता कि चलो फैमिली हो वो जलील हो फिर इस मामले में, फैमिलियों के मामले में फिर बंदे को थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज। मैंने इसलिए इसे सजेस्ट किया कि ये 14 इंच में ही ना अच्छे रिम टायर लगा ले, तो जिस पे मतलब अगर आपने ऑटो शो पे भी जाना हो तो ड्रॉप बेशक बंदा ना करे, इस पे बड़े प्रोफाइल लग जाए, यानी अगर ये 15 इंच के लगाता तो इसे ड्रॉप करने की वैसे नीड ना पड़ती।
तो खैर बाकी ये 14 के लगा ले तो वो भी सूट करेगा, इसका आना जाना भी हो जाएगा, फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा नहीं होगी, इसी फ्यूल कंजप्शन पे हो जाएगा। एवरेज भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह इस गाड़ी की, ये मुझे कोई ऑलमोस्ट इन सिटी दे देती है 15-16 विदेशी, हाँ विदेशी दे रही है आजकल। और गर्मियां जब से आई है ना तो मैंने यकीन करें कि एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि एसी बंद करके गाड़ी लेके गया हूँ, जब भी कहीं ले गया हूँ एसी ऑन करके गाड़ी में ले गए हैं। तो इसमें फिर सारी बात है, जब एसी है गाड़ी में एसी तो फिर चलाना है, गर्मियों में होता ही एसी, किस ना एसी का नाम ही इसीलिए गर्मियों में आप एसी चलाओ। तो बाकी ये आपके सामने है, मैंने बिल्कुल सिंपल डिसेंट इंटीरियर और डिसेंट ही बाहर से तैयार किया, बस रिम शिम प्यारे लग जाए, वो मैं रिम कोई ले लूँगा कोई अपने शोशा के लिए लेके रख लेंगे, मैंने कॉइल ओवर्स लगा लेना तो ड्रॉप श्रॉप भी जो करनी होगी तो कर लेते हैं। बाकी सीन ये है कि बाकी जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो वो आप लोग हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो और आप लोग जो कहते हैं उसके ऊपर हम लोग न्यू वीडियोस भी लेके आ सकते हैं, जैसे मेरी सिविक तैयार हो रही है, लेकिन हम लोग उसके व्लॉग वगैरह नहीं बना रहे, मैंने बना के रखे थे काफी सारे उसके व्लॉग, मतलब सीरीज बनाई थी मैंने पूरी, जैसे अब्दुलरहमान हर काम का कराता है उसके ऊपर मैंने इतना काम कराया है, लेकिन वो मतलब हमने सर्दियों में परचेज की थी और सर्दियों में हमने व्लॉग्स भी बनाए, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि मैंने ना वो सारी अपलोड ही नहीं की, वो मेरे पास गैलरी में भरी पड़ी है लेकिन अपलोडिंग नहीं की। तो अभी मैं सोच रहा था अपना भी यूट्यूब चैनल बनाऊँ, खैर देखते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर दें, हम दूसरी गाड़ियों के रिव्यूज़ करने का भी सोच रहे थे, क्या हमें रिव्यूज़ करने चाहिए, लाइक हमारे बहुत सारे मेरे कार कम्युनिटी के अंदर दोस्त हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, सबने तैयार की हुई हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रिव्यूज़ के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो कल्टस के साथ साथ आपको बाकी गाड़ियों का जो कंप्लीट तैयार हुई हुई है उनके भी इस तरह मिनी रिव्यूज़ मिल जाएं, जिसमें सारी डिटेल आप लोगों को क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ पता लग जाए, तो वो भी हमें कमेंट करके बता दें, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जो भी आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, अगर रिव्यूज़ चाहते हैं रिव्यूज़ पे काम करें हम लोग तो रिव्यूज़ डाल देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग नई गाड़ी की सीरीज़ लेके आएँ, तो अभी हम लोग जिससे सिविक तैयार कर रहे हैं उसका पेंट रहता है, उसकी सीट पोशिश रहती है, बाकी हमने बहुत सारा काम उसका कर लिया है, तो हम लोग उसकी सीरीज़ भी पूरी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो बहुत पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कमेंट करके बता दें सिविक 1990 का अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखना है तो हम उसकी सीरीज़ अपलोड कर देंगे, और इस तरह के रिव्यूज़ चाहिए तो हम लोग रिव्यूज़ अपलोड कर देंगे डिफरेंट गाड़ियों के। तो बाकी एक रिव्यू हम लोग एहतियातन अपलोड करके आप लोगों का रिस्पांस देखने के लिए करेंगे कि आवाम का क्या रिस्पांस होता है, हमें जिस तरह का रिस्पांस मिलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट अपना चेंज करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि कल्टस की जो सीरीज़ है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है, एक स्पॉयलर रह गया है और एक रिम टायर रह गए हैं, बाकी फिर अगर बंदा पेंट शेंट चेंज करे या रैप वगैरह कराए वो फिर पर्सनल ओपिनियन, बंदा स्लो स्लो बाद में करा लेता है, तो फिर आप लोग जो भी चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता दें, बाकी अब्दुलरहमान भाई जो बोलना चाहते हैं वो बोल दें, बाकी आपने सब कुछ बोलते दिया वही बात है आप लोग जो अगर चाहते आप चाहते हैं कि होस्ट चेंज हो जाए इसकी जगह मैं आ जाऊँ आपकी वीडियोस में तो आप लोग कमेंट करके अयान अयान वोट करें AYAN को वोट करें और आप लोगों का होस्ट चेंज हो जाएगा ताकि मेरी इसके साथ पार्टनरशिप हो जाए, आधे आधे पैसे करूंगा मैं इसके साथ। अरे कहना क्या चाहते हो बाकी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता होता यार, वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो बाकी अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं मेरे स्टाइल में करेंगे, अल्लाह हाफिज़।